आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद दानिश लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। टीएमयू में एमडीएस की छात्रा ने संदिग्ध हालत में हॉस्टल में पंखे के सहारे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। हापुड़ जिले की निवासी वैशाली आयु 25 वर्ष पुत्री प्रमोद कुमार टीएमयू से एमडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। सोमवार को जब अन्य छात्राएं क्लास में चली गईं तो उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वैशाली यहां हॉस्टल के कमरे में ही अन्य छात्राओं के साथ रहती है। सोमवार को दोपहर अन्य छात्राएं क्लास में चली गई थीं जबकि वैशाली कमरे में रुक गई थी। दोपहर में क्लास लेने के बाद छात्राएं कमरे पर पहुंची तो उन्होंने वैशाली का शव पंखे से लटका देखा तो छात्राएं सन रह गई। उन्होंने शोर मचाकर अन्य छात्राएं और कर्मचारियों को बुलाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पागबड़ा पुलिस थाना प्रभारी योगेंद्र यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच उच्च अफसरों को दी। थाना प्रभारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। छात्रा ने यह कदम क्यों और किन परिस्थितियों में उठाया है इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से परिवार के लोग बदहवास हैं। हापुड़ जिले के शहाबुद्दीन नगर थाना धोलाना की निवासी डॉक्टर वैशाली पुत्री प्रमोद कुमार टीएमयू से एमडीएस मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की छात्रा थी। वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही चौथे कमरे में रहती थी। सोमवार को पंखे से लटका उसका शव देखकर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक की प्राथमिक जांच में आत्मघाती कदम उठाने का कारण पता नहीं चल पाया है, लिहाजा पुलिस कई लाइनों पर काम कर रही है। आसपास की अन्य छात्राओं से भी जानकारी जुटाई जा रही है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें टीएमयू में पूर्व में भी कई छात्राओं की हो चुकी है रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। अब सवाल यह उठता है कि जिन माता पिता के बच्चे टीएमयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो क्या उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। इसका जवाब मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से पूर्व में छात्रों की मौतें हुई हैं उसके लिहाज से यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। ईएमयू कॉलेज में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस और एफएसएल टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया जहाँ पे पंखे से लटका हुआ उसका शव बरामद हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें तथ्यों के आधार पर शीघ्र विधिक कार्रवाई करी जाएगी। इस खबर में आगे और बहुत कुछ है और इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की और छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।